शाहिद दोबारा बत्ती जलने वाली है, शाहिद शाहिद दोबारा बत्ती जलने वाली है आपके घर में, आई मीन दूसरी बार आप भाई तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो, तुम ग्रेट इंसान हो, ऐसा नहीं है, इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए, तुमने किन दो चीजों को नहीं, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए, नहीं तो दोबारा बाप बनने वाले आपको क्या कहना चाहेंगे आप शाहिद है? भाई तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो, तुम ग्रेट इंसान हो, ऐसा नहीं है, इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए, तुमने किन दो चीजों को नहीं, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए, नहीं लेकिन आपको सिंगल देखने में ज्यादा मजा आता है, पद्मावती में काफी, मुझे सिंगल देखने में आपको ज्यादा मजा आता है, ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी पड़ेगी, वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई थिंक, आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग। शायद एक सवाल और कि हाल ही में आपकी जो वाइफ है मीरा, उन्होंने एक एड में काम किया है, और क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनसे माइक ही छीन लिया वो नहीं दे रहे, एक सेकेंड, क्या ऐसा, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, होल्ड ऑन टू इट, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो भी फिल्मों में नजर आए, वो भी एक्टिंग करें, कुछ बताएंगे इस बारे में? सर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछिएगा, आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग, आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो, आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग। शायद एक सवाल और कि हाल ही में आपकी जो वाइफ है मीरा, उन्होंने एक एड में काम किया है, और क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनसे माइक ही छीन लिया वो नहीं दे रहे, एक सेकंड, क्या ऐसा, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, होल्ड ऑन टू इट, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो भी फिल्मों में नजर आए, वो भी एक्टिंग करें, कुछ बताएंगे इस बारे में? सर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछिएगा, आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग, आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो। सही है, लेफ्ट साइड, इधर राइट में, अभी राइट सर, इधर राइट।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. देख भाई, ऐसे ही होता है जब तू एक्टर की स्क्रिप्ट चुरा के उसके ट्रेलर लॉन्च के ऊपर ऐसे घुस जाता है. पर ये स्क्रिप्ट मेरी है. अबे दो मिनट के लिए लाइट क्या गई, तू तो बीच में ही घुस गया भाई. ये स्क्रिप्ट तेरी है? हाँ, मैंने ही लिखी अपनी मेहनत से, वो चली नहीं मेहनत. अच्छा, पिक्चर भी तेरी होगी भाई फिर तो? नहीं, पिक्चर तो आपके पास, स्क्रिप्ट ये वाली मेरी. मैं मतलब, अच्छा अगर ये तेरी स्क्रिप्ट, तो एक काम करते हैं, तो जोक मार, मैं उसको कंप्लीट करूंगा. ठीक है, अगर मैंने तुझे पकड़ लिया मतलब स्क्रिप्ट मेरी है. ठीक है, मार. तो हाँ, मेरा नाम गौरव है. तेरा नाम भी गौरव है? तेरे को बोला हम लिख करके लाए घर से, तू लगा बड़ा बम्बू देने के लिए बीच में. तो शायद भाई अगला जोक मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ इस प्रकार है. मुझे ऐसा लग रहा है तू ही मार ले, मैं नीचे जाता हूँ. नहीं नहीं, आप रहो यहाँ पे. अगला जोक कुछ इस प्रकार है कि आपको याद होगा जब घर में लाइट जाती थी ना, तो मोमबत्ती आती थी. हाँ, मोमबत्ती में हम पढ़ाई किया करते थे, है ना, और मोमबत्ती के छोटे छोटे पल बना के रखा करते थे, क्योंकि रियल वाले तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. और एक और काम किया करते थे मोमबत्ती से, हम कीड़े जलाते थे. हाँ, सेडिस्टिक प्लेजर मिलता था उससे. मच्छरों को भी जला देते थे हम लोग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक रैकेट तो अभी आया ना. हाँ, ऐसे ही कुछ था ना तेरा जोक. अगला वाला बोल भाई. पर यार आपने जलाया कभी मोमबत्ती से मच्छर? क्या मजा आता है यार, कसम से. उसके अलावा वो भी तो था ना, जब लाइट जाती थी तो घर में पंखा भी वो घर में वो हाथ वाला गट्टे वाला पंखा आता था, है ना, और उससे मम्मी पंखा मार मार के डोले बना लेती थी, है ना. ऐसे कुछ जोक था तेरा? हाँ, वही डोले वाला चांटा तो मुझे पड़ा था मीर के टाइम पे भाई. अब क्लियर हो गया? हाँ, मतलब कि मेरी पिक्चर का लॉन्च है. हाँ, मेरी स्क्रिप्ट है. हाँ, स्क्रिप्ट भी आपकी है शायद. तो भाई अब तू क्यों चले जाना यहाँ से? देखो, मैं आके चेप तो हो चुका हूँ और पूरा पेमेंट भी आ चुका मेरा. ठीक है, तो मेरे को रहने दो अपने साथ थोड़ी देर. दो मिनट में आपके साथ बस बिता. चल तू दिल्ली का, मैं भी दिल्ली का, तो इट्स ओके. ठीक है, हम दोनों दिल्ली के हैं वैसे. ठीक है भाई. तो इसको अलग ही बम्बू हो रहा है बीच में. हम चार लाइनें लिख दी, किसी को कोई लाभ नहीं ना, तो बोला बंदे खुश. हाँ, मजा. ठीक है. हाँ, तो हम दिल्ली के हैं, आप भी दिल्ली के हो. मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ दिल्ली के. देखो, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी. इनके इनके जो शोज होते हैं ना, बहुत एंटरटेनिंग होते हैं और काफी अब्यूजिव होते हैं ऑडियंस की तरफ. हाँ. तो ये कंट्रोल में रह रहे हैं अभी. हाँ. थोड़ा कोऑपरेट कर लो यार. तो मैं भूत उतार देता एक तो. ठीक है, तो जैसे हम लोग दिल्ली के, तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, पूछना चाहता हूं मैं आपसे. जी. कि जब बत्ती जाती, बत्ती गुल होती थी, पर उसके बाद बत्ती आने का अलग ही फीलिंग नहीं होती थी, मतलब एक अलग ही खुशी की फीलिंग है जब लाइट आ जाती है. कमाल की याद दिला दी तूने यार. क्या है, ये बॉम्बे में है ना एसीज होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ड्राई हीट होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो वहाँ पे कूलर होते हैं. हाँ, और कूलर के आगे मैं तो आती हवा आती, मतलब मुंह दो मिनट तक. अबे तू तो अपना मुंह लगा देता था. हम लोग तो वेट करते थे, पहले तीन चार मिनट जो कूलर थूकता है ना, जो पांच छह थूक निकलती कूलर की ऑन होने के बाद, वो किसके ऊपर पड़ेगी, उसी थूक में लाइफ निकल जाती थी. ये बात तो मजेदार थी, पर मेरे को याद है कि दो मिनट बाद उसमें बदबू भी आती थी, पंप की बदबू नहीं. अबे छोले भटूरे की बदबू थी बेटा. हाँ, वो दिल्ली की थोड़ी बदबू रहती है. अच्छा, एक छोटा सा एक्सपीरियंस और पूछना चाहता हूँ. ये तो चलो बत्ती आने का एक्सपीरियंस हो गया. जी जी. पर जब बत्ती गुल होती थी, तो कुछ ऐसे घर के नीचे कुछ अच्छा माहौल वाहौल बनता था आपके? अरे कार्निवल का माहौल बन जाता था यार नीचे. एक्चुअली हम लोग एक बहुत बड़ी लोकेलिटी में रहते थे. दिल्ली में ना बड़ी बड़ी लोकेलिटीज होती हैं, ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंगें नहीं होती हैं. तो हम सात आठ लोगों का एक बत्ती गुल ग्रुप बन गया था. जब भी लाइट जाती थी ना, हम लोग नीचे जाके वहाँ पे छुपन छुपाई खेलते थे, टाइम पास करते थे. लेकिन एक दिन एक बहुत बुरी बात हुई यार. क्या? एक दोस्त के पापा ने घर पे इन्वर्टर लगा लिया, तो आना बंद कर दिया ना उसने. दोस्ती टूट गई क्या? हाँ, अमीर हो गया वो. हाँ यार, ये अमीर लोग किसी के दोस्त नहीं होते यार. अच्छा भाई, अब तेरा खत्म हो गया तो मैं तुझे लेके जाऊँ? हाँ, थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, बी अ स्पॉट, बी अ स्पॉट, बी अ स्पॉट. थैंक यू वेरी मच. और आफ्टर हैविंग दैट लिटिल बिट ऑफ फन, अब कुछ नॉटी नॉटी बातें करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारी फिल्म की हीरोइन, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रद्धा कपूर, द वन एंड ओनली. शाहिद, दोबारा बत्ती जलने वाली है शाहिद? शायद दोबारा बत्ती जलने वाली है आपके घर में, आई मीन दूसरी बार आप भाई. तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो. तुम ग्रेट इंसान हो. ऐसा नहीं है. इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए. तुमने किन दो चीजों को नहीं, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए. नहीं तो दोबारा बाप बनने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप शायद? है भाई, तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो. तुम ग्रेट इंसान हो. ऐसा नहीं है. इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए. तुमने किन दो चीजों को नहीं, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए. नहीं, लेकिन आपको सिंगल देखने में ज्यादा मजा आता है पद्मावती में. काफी मुझे सिंगल देखने में आपको ज्यादा मजा. ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी पड़ेगी. वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई थिंक. आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक, एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग. शायद एक सवाल और कि हाल ही में आपकी जो वाइफ है मीरा, उन्होंने एक एड में काम किया है
और क्या हम ऐसा हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनसे माइक ही छीन लिया वो नहीं दे रहे एक सेकंड क्या ऐसा ये भी आपका फंडामेंटल राइट है होल्ड ऑन टू इट ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो भी फिल्मों में नजर आए वो भी एक्टिंग करें कुछ बताएंगे इस बार सर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछिएगा आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट यू आर वेरी रॉन्ग आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट यू आर वेरी रॉन्ग शायद एक सवाल और कि हाल ही में आपकी जो वाइफ है मीरा उन्होंने एक एड में काम किया है और क्या हम ऐसा हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनसे माइक ही छीन लिया वो नहीं दे रहे एक सेकंड क्या ऐसा ये भी आपका फंडामेंटल राइट है होल्ड ऑन टू इट ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो भी फिल्मों में नजर आए वो भी एक्टिंग करें कुछ बताएंगे इस बार सर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछिएगा आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट यू आर वेरी रॉन्ग आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो